खरबूज पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, समझ में नहीं आता मेरे को तो। खरबूजा ही बोलते हैं इसको। इसको तरबूज नहीं, तरबूज तो वाला होता है। कुछ बोलना चाहते हो? थक गया मैं थोड़ा। थक क्यों गए? इतनी लंबी लाइन है, सुबह 8 बजे से लगा हुआ। और भैया टेस्ट नेगेटिव कराने के लिए इतनी मेहनत है, देखो। तो इससे अच्छा पॉजिटिव मत हो। हाँ यही ज्यादा बेटर है, घर पे बैठो ना, पॉजिटिव हो तो ना नेगेटिव की लाइन में लगना पड़ेगा। लाइन देखो पीछे और नंबर आ ही गया, बस समझो। बस 5-10 मिनट और। हाँ नहीं 15-1 मिनट लगेगा। 15 मिनट, 2-4 ही लोग हैं। लाइन लंबी है अभी, नंबर मतलब देर से ही आएगा। तो राम ने बोला कि यार तुम ना अलग ही जाके बैठ जाओ, भीड़ में मत खड़ी हो। कुछ खा के नहीं आए हैं, भूख लगी है। राम को भी लाइन में लगे थे, कह रहे मुझे भूख लगने लग गई है यार, अभी निकलेंगे, पहले जूस पियेंगे, फिर जाएंगे घर को। भूख लगी है ना आपको? बहुत लगी है, बहुत। मैंने बता दिया सबको कि राम तो चिल्ला रहे थे लाइन में, मुझे भूख लगी है, मुझे भूख लगी है। 5 स्टार नहीं गिरा है वो, जैसे एड आता है ना। हाँ। तो भूख लगती है तो अब जानवर बन जाते हो। अच्छा। तो हॉस्पिटल से घर आके ना इतनी थकावट हो गई, इतना थक गए हम दोनों आज लाइन में लगे लगे, और टाइम भी बहुत लग गया था। फिर घर आके सारे कपड़े धोने के लिए डाले, नहाए धोए, खाना बनाया हिम्मत करके। मुझे ही पता है कैसे बनाया, लेकिन हाँ कुछ खाया पिया। फिर आराम करा, आराम करके फिर अभी फ़ोन आया, लेटे ही हुए थे हम लोग, फिर अभी फ़ोन आया डिलीवरी बॉय का कि सामान जो हम ऑनलाइन मंगाते हैं वो भी आ गया है, बाहर पड़ा है। मैंने कहा चलो बुट जाते हैं थोड़ा सा। तो बस देखो अभी राम को बोलती हूँ, राम बाहर से लेकर आएंगे। अभी देखो ये देखो मर्फी को देखो, ये मेरी स्लीपर को। मर्फी ये क्या कर रहे हो आप? खींच रहा है इसको ना, ये फर वाली बहुत पसंद है। ये देखो माफी नहीं बेटा, देखो ओए अरे बस कर बच्चे। मर्फी को ना हमें डॉक्टर के पास लेके जाना था, इसके ना अब हेयर्स बहुत निकल रहे हैं, मतलब ये सीजन होता है ना, साल में 2 बार निकलते ही निकलते हैं, तो अब जा नहीं पा रहे हैं हम। और इसके बाल देखो, ये देखो ब्लैक के ऊपर तो इतने चमकते हैं ना, ये पूछो मत, इसको गंजा कराते हैं। हाँ गंजा हो गए, गंजा। राम यहाँ पे ग्रेप्स खा रहे हैं, हेल्थ बना रहे हैं अपनी। है बहुत तक के भैया, 2 घंटे लाइन में लग के 3 मिनट है। हेल्थ बनाओ राम, आप ग्रेप्स खाओ, बहुत जरूरी। तुम भी खाओ, अभी खाओ। अरे अभी खाऊंगी मैं, खाओ खाती रहो भैया। पापा ने मेरे को खिला दिया, आपको नहीं खिलाया भैया? बेटा आपको नहीं खिला सकते ना, आपके ग्रेप्स अच्छे नहीं है। चलो सामान भी ले आते हैं, चलो। हाँ देखो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, नहीं खाओ ना आप, मैं आपको बता रही थी ना, जैसे कि सामान बाहर रख जाते हैं भैया, हम बाद में अंदर रख लेते हैं। तो देखो यह आया हुआ है, ग्रोफर्ट से मंगाया था इस बार हमने, इतना सारा सामान है। राम ने पहले देखा, राम बोलते हैं इतना सारा सामान क्या है ये। लो भाई रखते जाओ यहीं पर। मर्फी जांच करो, आप चेक करो सब सही है ना भाई। खूब सारा सामान आ गया राम, ये तो क्या क्या आ गया हमें याद भी नहीं है आपकी क्या क्या मंगाया था, देखते हैं खोल के। और क्या राम, इसको थोड़ी देर के लिए पट्टा लगा दो, क्योंकि ये सामान को फिर करने नहीं देगा चेक। देखो पट्टा सुन के ना इतना खुश हो जाते हैं ना ये, कि सोचेगा मुझे बाहर जाने। देखना इसका, गुड बॉय, खुशी देखो उसकी पूछ से। Good उसको वहीं बांध दिया भैया, वो काम यहाँ का करने देता अगर उसको वहाँ नहीं बांधता मैं तो। चलो भाई देखते हैं क्या क्या है इसमें, तो मुझे सारे फ्रूट्स लग रहे हैं। हाँ ये देखो, फ्रूट्स ही फ्रूट्स, कोमल प्रोटीन ही प्रोटीन है। क्या करें, क्या क्या है इसमें, क्या है भाई? चीकू, चीकू बहुत बढ़िया। और इसमें भी शायद चीकू ही है, चीकू। अच्छा हमने दो मंगाए थे ना, दो मंगाए थे ना। सही लग रहे हैं,
हाँ चीकू ठीक लग रहे हैं। ये है अनार। खांसी आ रही है तो थोड़ा अनार भी ठीक ही है। ये ग्रोफर से मंगाया हमने तो मतलब सामान तो ठीक लग रहा है। हमेशा इसी से हमेशा नहीं उससे बिग बास्केट से भी मंगाया है। हाँ दो तीन बार तो क्योंकि इस पर ज्यादा सामान नहीं होता हमेशा आप देखोगे ना। क्या है ना मेन चीज कि बहुत सारा सामान ग्रोफर पे कभी कभी नहीं मिलता है या फिर बिग बास्केट पे नहीं मिलता है तो जहाँ पे जो मिल जाता है वहां से मंगा देते हैं। एप्पल बहुत बढ़िया यार ऐसा सजा के भेजा जैसे पता नहीं खाना नहीं है कुछ और करना है। इसमें हम अगर आपके 2000 रुपीस हो जाते हैं या 1800 हो जाते हैं तो इसमें आपको तीन गिफ्ट मिलते हैं। तो हमें पता है कि हमारे गिफ्ट क्या है आपको भी दिखाते हैं। गिफ्ट के नाम क्या है? अरे सही है यार कोमल गिफ्ट तो गिफ्ट होता है। डेट्स बहुत खजूर ये बनाएंगे हम इसका। सोच रही हूँ लड्डू बनाऊंगी अभी जैसे बहुत वीकनेस आ गई है ना राम के लिए बनाऊंगी। ये मैं नहीं खाऊंगा यार मैं डाल खा लूंगा ड्राई फ्रूट्स के। हाँ क्यों नहीं खाओगे खाना पड़ेगा। मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगी कैसे बनाती हूँ। चलो भैया जो बीबी का है मान लो चुपचाप। लड्डू बनाने के लिए मंगाया है। क्या क्या है इसको क्या बोलते हैं भूल गए बताओ। डेली खाते हो ना अखरोट। अखरोट और ये पिस्ता और ये हमारा गिफ्ट है। अचार जो कि अभी नहीं खा सकते क्योंकि गला खराब है। काजू रखो भाई। नींबू बहुत जरूरी है विटामिन सी एकदम जरूरी है सब लोग खाओ। और गिफ्ट राम आपका तीसरा गिफ्ट हमारा ये एक्चुअली ग्रोफर की तरफ से फ्री है तीनों चीजें। सेवई और ये प्याज और एक और छोटी सी चीज दिख रही है सीड्स वाटरमेलन सीड्स ठीक है रखो। और एक सब्जियां हैं इसमें सारी। हाँ धनिया तो खूब आ गया भाई सही है बहुत सही। और क्या है निकालो। और है हरी प्याज ठीक है रखते जाओ। अच्छी भेजी है छोटी छोटी। मशरूम एक और धनिया। मैं धनिया ही खाओगे क्या सिर्फ धनिया ऑर्डर कर दिया तुमने। ककड़ी चलो ककड़ी अच्छी चीज है बहुत बढ़िया। आज आप लोग देख लो कोमल क्या क्या ऑर्डर करती है मुझे पता भी नहीं चलता सब ऑर्डर कर देती है पीठ पीछे से। खीरा देख लो एक चीज मतलब वैसे नहीं मंगाई मैंने ये जूस निकालने के लिए मौसमी हाँ ठीक है ज्यादा आपको नहीं लग रहा। और टमाटो बहुत बढ़िया ठीक है टर्टर। अरे लास्ट रह गया वही कम ही सामान है ना। तो हमेशा हर दूसरे चौथे दिन मंगा रहे हैं। इसमें भी भाई हमारे हैं पालक बहुत सही खरबूज पता नहीं क्या क्या बोलते हैं समझ में नहीं आता मेरे को तो खरबूजा ही बोलते हैं इसको तरबूज नहीं तरबूज तो वाला होता है। तो ये क्या है बताओ नाम बताओ। इसको भी खरबूज ही बोलते हैं। ये क्या है वो भी खरबूज ये भी खरबूज। हाँ। और ये भिंडी चलो ये तो भिंडी है पता है मुझे फिंगर इतना कमजोर भी नहीं है मेरी इंग्लिश। ये है चुकंदर खून बढ़ाएंगे अब हम। और क्या निकलेगा इस पिटारे से अंगूर बहुत है यार अंगूर अच्छे थे हैं। और भी कुछ है ये है थोड़ा सा फ्री में धनिया मिर्च ये फ्री में मिलता है आजकल ये भी मतलब आजकल ये सही हो गया है कि ऑनलाइन वाले भी ना जैसे आप कुछ जाते हो ना रिटेल मार्केट में तो धनिया और मिर्च मिलती है फ्री में वैसे ये भी भेजने लग गए हैं देख रहे हो सही है। लौकी हो गया तो देखो यही है और ऐसे ही पूरा का पूरा जितना कोविड का टाइम था आराम से कर रहे सारा सामान सब्जी हो फ्रूट्स हो या खाने पीने के लिए कुछ सही हो सब आ जाता है। तो सब बहुत लोगों को अपना आंसर मिल गया होगा कि हमने ये कैसे मंगाते हो आप लोग कहाँ से लाते हो आप लोग।
इतना सारा सामान है, फ्रिज में भी जगह नहीं बची अब तो। फ्रूट्स तो सारे बाहर रखने पड़ेंगे यार। ये भी कोमल एक ना, मुझे तुम्हें तो सामान दिख रहा है, मुझे तो एक मेहनत का काम लग रहा है। मेहनत तो है यार, क्या करना तो पड़ेगा। करते हैं भाई, जमा लगाएंगे लग जाएगा। चलो लगवाते हैं। पहले मैं सब वेजिटेबल डाल देती हूँ, आप ग्रेप खाओ अपने। ठीक है चलो। इसको देखो क्या सामान को देखने गया है ये, कि वहाँ पे क्या क्या रखा हुआ है ये। चलो 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 चलो। तो अब सामान हम लोग जमाएंगे थोड़ी देर से। क्यों थोड़ी देर से? अब हिम्मत तो है नहीं। तुम्हारी हिम्मत है? हाँ मैं भी करने नहीं, मैं तो कुछ बोला नहीं। ये देखो बस। तो हॉस्पिटल से आके हमने बताया है नहीं कि हॉस्पिटल में रहा क्या। टेस्ट करवा लिए है, रिपोर्ट आएगी 4 दिन बाद। चार दिन में हॉस्पिटल में क्या हालत है मैं क्या ही बताऊं। मतलब एक तो लाइन लगाया, चलो कोई बात नहीं, 8 बजे लाइन लगा लिया, लेकिन रिपोर्ट्स आ रही है 3-3, 4-4 दिन में। तो जो हमारी रिपोर्ट है वो आएगी 3-4 दिन में। और इसको देखो, 4 दिन ही मान के चलो लग रहे है ना, क्योंकि नंबर इतने बढ़ रहे हैं, आप देख रहे हो हद से ज्यादा। तो अब उनकी भी क्या गलती है, टाइम तो लगी गई है, दिक्कतें हैं। मतलब टेस्ट करवाने में भी सोचो आप, तो रिपोर्ट 4 दिन में आएगी, तो 4 दिन के बाद किसी को पता चलेगा। मतलब 4 दिन तक बैठे रहो आप कि कोरोना है कि नहीं है, है ना, ठीक हुआ या नहीं हुआ, सस्पेंस में जियो। बताओ यार क्या कर सकते हैं, दिक्कतें हैं आजकल बहुत ज्यादा। बस आप लोग ना अपना ध्यान रखो, घर पे रहो जितना हो सके, कोई जरूरी काम है तभी बाहर जाओ, अदरवाइज घर पे रहो बस। तो बस अपना ध्यान रखो, बिंदास घर पे रहो, लॉकडाउन है नहीं है, सब ठीक है, सही है, सब बढ़िया, घर पे रहो, सब बढ़िया है, बस ध्यान रखो, बस सब बढ़िया है, मजे करो। और अब हम लोग जा रहे हैं, थोड़ा आराम करेंगे, फिर देखते हैं क्या करना है। तो मिलते हैं फिर आपसे एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखो, खुश रहो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन, वीडियो को लाइक भी कर दो। बाय।